हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, प्यारा और बड़ा सा एक थाल पोश, टेबल मैट या डॉली, आप कुछ भी कह सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई हैव प्रोवाइडेड यू द इंग्लिश सबटाइटल्स आल्सो, सो इफ़ यू नो हिंदी देन यू कैन मेक इट इन हिंदी, बट इफ़ यू नो इंग्लिश देन यू कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश सबटाइटल्स। तो हिंदी या इंग्लिश आप दोनों में ही बना सकते हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स इसमें अवेलेबल हैं, तो इंग्लिश सबटाइटल्स की हेल्प से भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसे बनाने में टोटल 200 ग्राम यूज़ की है वूल, 100 ग्राम वाइट कलर वूल एंड 100 ग्राम अदर कलर वूल। आई हैव मेड इट विथ 3.0 mm क्रोशा हुक। तो आप कौन सी क्रोशा हुक लेंगे ये डिपेंड करता है आपके वूल की साइज़ पे। 2-ply वूल है तो आप 10 नंबर की वूल से बना क्रोशा हुक से बना सकते हैं। 3-ply वूल है तो आप 11 नंबर के क्रोशा हुक से बना सकते हैं। दिस इज़ अ 2-ply वूल, ये मेरी 2-ply की वूल है, थोड़ी मोटी वूल है, सो मैंने इसमें 3.0 mm की क्रोशा हुक को यूज़ किया है। अगर ज़्यादा मोटी है तो आप 9 नंबर से भी बना सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली पैटर्न दिस इज़ फ्रेंड्स। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माई वीडियोज़। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अगर आप नए नए वीडियोस, अच्छे अच्छे थालपोस वगैरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले एक मैजिक लूप ले लें और मैजिक लूप लेके इसमें हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये जो होल बना है इसमें हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनानी है। तो सबसे पहले 3 चैन बना लेंगे जैसे स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद एक एक करके इसमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो, पहली 3 चैन हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई, ये 2 डबल क्रोशिया बनाई, ये टोटल 3 हो गई हमारी। इसी तरह एक एक करके इसमें टोटल 12 बनानी है। ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली, और 12 डबल क्रोशिया बना के अब इस धागे को हम खींच के इसे राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे जहाँ हमने 3 चैन बनाई थी इसमें 1, 2, 3 थर्ड नंबर चैन पे वर्क को ऐड कर देंगे, और एक चैन बना के धागे को काट के यहीं से दूसरे धागे को हम ऐड करेंगे। ये देखिएगा, जहाँ से हमने धागे को काटा था वहीं से दूसरा धागा ऐड कर लिया है। अब ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाई है इन सबके बीच में हमें एक एक पफ स्टिच बनानी है। तो पहले 3 चैन बना लेंगे, और सेम इसी स्पेस से ये वाला जो स्पेस है यहीं से एक पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बनाने के लिए धागे को ग्रैब करते हुए 4 या 5 बार निकालेंगे। आप अगर मोटी पफ स्टिच बनाना चाहते हैं तो 5 या 6 टाइम्स निकाल लीजिए, थोड़ी सी हल्की बनाना चाहते हैं, पतली बनाना चाहते हैं तो 4 टाइम्स निकालिए। इस तरह से देखिएगा, ये 5 टाइम्स ग्रैब कर लिया मैंने, और अब इन सारे लूप्स को एक ही साथ मैं इस तरह से निकाल दूंगी और यूं ही से बांध दिया। बीच में 2 चैन का स्पेस देंगे, और अगेन नेक्स्ट वाला जो स्पेस है, दूसरी जो हमारी डबल क्रोशिया है, दूसरी और तीसरी के बीच में सेकेंड नंबर डबल क्रोशिया से एक और पफ स्टिच बना देंगे। इस तरह हमें टोटल 12 ही पफ स्टिच बनानी है। जितनी चैन हमने बनाई है सबके ऊपर एक एक पफ स्टिच बना लेंगे, जितनी भी डबल क्रोशिया हैं। अगेन 2 चैन का स्पेस, 2-2 चैन का स्पेस देंगे और 12 पफ स्टिच बना के इस पूरे राउंड को ओवर करेंगे। 2 चैन बना के अपने वर्क को यहीं पे ऐड कर देंगे। इसी स्पेस पे ऐड करना है हमें जहां पे हमने इस वाली पफ स्टिच को बांधा था, यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, और एक चैन बना के धागे को काट के ये जो हमारा स्पेस है इस वाले स्पेस पे दूसरे धागे को ऐड करेंगे। ये देखिएगा, इसी स्पेस पे जो हमने 2 चैन का स्पेस दिया है यहाँ पे हमने धागे को ऐड कर लिया है। अब अगेन इसमें पफ स्टिच ही बनानी है, तो पहले हम 3 चैन बना लेंगे, और
तीन चैन बना के एक पफ स्टिच, इसी ये जो हमारा स्पेस है इसी स्पेस से एक पफ स्टिच बनाएंगे। दो पफ स्टिच बनानी है इसमें, एक साथ दो पफ स्टिच बनानी है, तो पहले एक बना लेंगे। ये एक पफ स्टिच बना ली, बीच में दो चैन का स्पेस दिया और अगेन सेम स्पेस से ये वाला जो स्पेस है जहां से हमने पहले पफ स्टिच बनाई है इसी सेम स्पेस से हमें दूसरी पफ स्टिच भी बनानी है। इस तरह से बनेगा, फिर से दो चैन का ही स्पेस देना है और अब अगेन नेक्स्ट वाला जो स्पेस है यहां से हमें दो पफ स्टिच बनानी है। इस तरह इस वाले राउंड में जितने भी स्पेस बने हुए हैं उसमें हर स्पेस में दो पफ स्टिच हमें बनानी है और दोनों पफ स्टिच के बीच में दो चैन का स्पेस देना है, प्लस नेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाने से पहले भी दो चैन का ही स्पेस देना है। दो चैन का स्पेस दिया और अगेन इसी सेम स्पेस से एक और पफ स्टिच बना लेंगे। इस तरह से, और अब नेक्स्ट वाले इस पे हमें जाना है स्पेस पे, तो उसके लिए फिर से हमें दो चैन का ही स्पेस देना है। इस तरह से कंटिन्यू करते हुए इस पूरे राउंड को ओवर करेंगे और अब वर्क के एंड में दो चैन बना के अगेन इसे इस स्पेस पे ऐड कर देंगे। ये जो हमने दो पफ स्टिच बनाई है यहाँ पे इसे ऐड कर देना है और फिर से एक चैन लगा के बना के धागे को काट देंगे और इसी स्पेस पे दूसरे धागे को ऐड करेंगे। धागे को ऐड करने के बाद अगेन यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे और अब जितनी भी स्पेस है सब में एक एक पफ स्टिच बना लेंगे। पहली पफ स्टिच इसमें बना ली, फिर से दो चैन का स्पेस दिया और नेक्स्ट वाले में इस वाले पॉइंट पे अगेन एक पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह जितनी भी स्पेस इसमें दो दो चैन की रेडी हुई है उन सारी स्पेस में हमें एक एक पफ स्टिच बना के रेडी कर लेना है और बीच में दो चैन का ही स्पेस देना है। फिर से दो चैन का स्पेस दिया और अब थर्ड वन में इसमें एक पफ स्टिच बना लेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड्स अपने इस पूरे राउंड को भी हमें ओवर करना है और अब वर्क के एंड में अगेन दो चैन बना के दोनों पार्ट्स को आपस में ऐड कर देंगे और फिर से फ्रेंड्स धागे को काट देंगे और दूसरा धागा इसी स्पेस पे बीच वाले स्पेस पे हमें ऐड करना है। एक चैन लगा के धागे को काट देंगे और यहाँ पे दूसरा धागा ऐड करेंगे। इस तरह से यहाँ पे धागे को ऐड कर दिया और अब अगेन हमें ये वाली डिजाइन बनानी है, बट इसमें दो के बीच में दो चैन का स्पेस देना है और दो के बीच में तीन चैन का स्पेस देना है। तीन चैन बना ली, अब इसी में एक पफ स्टिच बना लेंगे। वन बीच में दो चैन का स्पेस देंगे और अगेन इसी पॉइंट से एक और पफ स्टिच बनाएंगे। और अब एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जब हम दूसरी पफ स्टिच बनाएंगे तो उसके बीच में तीन चैन का स्पेस देंगे, ये थ्री चैन्स। और अब यहाँ पे हमें एक पफ स्टिच बना लेनी है और अब जब दूसरे स्पेस पे जाना है तो अगेन तीन चैन का ही स्पेस देंगे। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में तीन चैन बना के अपने वर्क को इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे जो हमने पहली वाली पफ स्टिच बनाई है, यहाँ पे इसे ऐड करके एक चैन बनाएंगे, धागे को काट देंगे और अब इसी स्पेस पे इस वाली स्पेस पे जहाँ दो चैन बनी हुई है दूसरा धागा ऐड करेंगे। धागे को ऐड करके अगेन तीन चैन बनाएंगे और इसी स्पेस पे एक पफ स्टिच बनानी है।
यहाँ पे एक पफ स्टिच बना लेंगे। और अब पफ स्टिच के बाद यहाँ पे हमें तीन चैन का स्पेस देना है, थ्री चैन का स्पेस देंगे। और अभी इस वाले नेक्स्ट वाला जो हमारा स्पेस है वहाँ पे एक पफ स्टिच बना लेंगे। इस तरह जितने भी स्पेस हमारे पास हैं सब में एक एक पफ स्टिच बना लेनी है और हर पफ स्टिच के बीच में हमें तीन चैन का स्पेस देना है। इस तरह एक इस स्पेस में बना लिया, एक इस स्पेस में। अब नेक्स्ट इसमें बनाएंगे तो उसके लिए फिर से तीन चैन का स्पेस देंगे और यहाँ पे एक और पफ स्टिच बना लेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए अपने इस पूरे राउंड को भी ओवर करना है। इस तरह से फ्रेंड्स ये बीच का पैटर्न बनके रेडी है। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर का पार्ट बनाना है, तो ऊपर के पार्ट को बनाने के लिए इस स्पेस पे धागे को ऐड कर लेना है। और अब हमें धागा चेंज नहीं करना है, तो जिससे आपको पूरा बनाना हो वही वाला धागा ऐड करें। और इसके बाद इसमें हम एक चैन बना के, सॉरी तीन चैन बना लेंगे पहले, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बना लेने पे एक चैन। और अब इस स्पेस पे दो पफ स्टिच बनाएंगे, पहले एक बना ली, दो चैन का स्पेस दिया और अगेन सेम स्पेस से फिर से दो पफ स्टिच बना लेनी है। इस तरह से दो पफ स्टिच हमने बना ली, फिर से एक चैन का स्पेस देना है और इस स्पेस पे जो दूसरा वाला हमारा स्पेस है इसमें इस तरह से दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से एक चैन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट वाले में अगेन पफ स्टिच का लीफ पैटर्न बनाएंगे। इस तरह एक स्पेस पे हमें पफ स्टिच का लीफ पैटर्न बनाना है और दूसरे स्पेस में दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लेनी है। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हमें अपने इस पूरे राउंड को भी ओवर करना है। ये देखिएगा, एक चैन का स्पेस देंगे और यहाँ पे अब दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये दो, फिर से एक चैन का स्पेस देंगे और अगेन यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से बना के पूरे राउंड को रेडी करना है। सो फ्रेंड्स ये वर्क का एंड है। अब वर्क के एंड में देखिएगा, जहां हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया से शुरुआत की थी तो ये अब हमारा पफ स्टिच पे आके एंड हुआ है। इसमें जो हमारी ये वाले सेक्शंस बने हुए, जो हमने स्पेस बनाई है, ये जो पूरा पफ स्टिच का राउंड बना हुआ है, ये टोटल 48 है फ्रेंड्स। ये इसीलिए इसमें 48 स्पेस आया हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट फिट हुआ है। अगर आप इसमें ज्यादा राउंड बनाते हैं या कम राउंड बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी पफ स्टिच ये बनाए वो इवन नंबर में ही हो, तभी आपकी ये जो डिवीजन होगा वो बिल्कुल सही होगा। चाहे जितने भी हो, इसमें 48 है तो आप 50 कर रहे हैं, 54 कर रहे हैं, 56 या 60 जितने भी आप करते हैं, तो इसको इस चीज का ध्यान दीजिएगा इसमें। अदरवाइज अगर आप ऑड नंबर पे करेंगे तो ये यहाँ पे डिवीजन गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे जहां आपने डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया है तो यहीं पे डबल क्रोशिया पे ही एंड भी हो जाएगा वो, इसलिए उसे इवन नंबर पे ही रखिए, ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद अब हमने एक चैन बना के ये जो तीन चैन हमने बनाई थी इसके ऊपर इसे ऐड कर देंगे अपने वर्क को। अगेन यहां से तीन चैन बनाएंगे और अब ये जो दो डबल क्रोशिया बनाई है, एक ये तीन चैन हो गई और एक डबल क्रोशिया दूसरे वाले के ऊपर ही बना लेंगे, तो दो ही डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। और इसके बाद अब यहां पे जहां हमने एक चैन का स्पेस दिया था इस वाले राउंड में दो चैन का स्पेस देंगे और जो पफ स्टिच बनाई है हमने लीफ पैटर्न उसके ऊपर वैसे ही लीफ पैटर्न बनाना है। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे ही बनेगा। बीच में दो चैन का ही स्पेस देंगे और अगेन सेम स्पेस से ही एक और पफ स्टिच बना लेंगे।
फिर से दो चैन का स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद अब ये जो हमारी डबल क्रोशिया बनाई हुई है इन दोनों पे एक एक डबल क्रोशिया इसी पे बना लेंगे, एक दो, फिर से दो चैन का स्पेस देंगे और अब यहां पे पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए अपने इस पूरे राउंड को भी ओवर करना है। और अब अगेन वर्क के एंड में यहाँ पे तीन चैन जहां हमने बनाई है वहां इसे ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद अब इसी स्पेस से दूसरा हमें फिर से तीन चैन बनानी है। तो ये हमने पहले इसे ऐड कर दिया, अगेन तीन चैन बना ली, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। और अब फिर से इस वाले पॉइंट से एक दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे, और उसके बाद जहां हमने इस स्पेस पे दो चैन का स्पेस दिया था अब हमें तीन चैन का स्पेस देना है। तो हर राउंड में हमें एक एक चैन का स्पेस बढ़ाते चलना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्क ढीला ज्यादा हो रहा है तो आप दो राउंड में एक ही जैसी चैन रिपीट कर सकते हैं। जैसे दो चैन अगर आपने बनाई है और आपको लग रहा है कि वर्क ढीला है अभी एडजस्ट हो सकता है, तो इस राउंड में भी दो चैन का ही स्पेस रहने दें, उसके बाद वाले राउंड में तीन चैन का स्पेस कर दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्क थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो आप चेन इंक्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह से फिर से तीन चैन बनाएंगे, और तीन चैन बनाने के बाद अगेन ये जो दो डबल क्रोशिया बनी है इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया फिर से वैसे ही बना लेनी है। फिर से तीन चैन का ही स्पेस देना है, और अगेन इस वाले पॉइंट पर पफ स्टिच का लीफ पैटर्न बना लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमें इस राउंड को भी ओवर करना है, और साथ ही इसी पैटर्न पे 8, 10, 12 आप जितने राउंड बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा इसे बनाना चाहते हैं उतने राउंड इसमें रेडी कर लें, और उसके बाद ही फिर इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने जहां पफ स्टिच बनाई है वहां पफ स्टिच ही बनानी है, जहां डबल क्रोशिया बनी है वहां डबल क्रोशिया ही बनानी है। बस आपको चेन्स इंक्रीज करनी है, हर राउंड में एक चेन बढ़ा देनी है। बट अगर आपको लग रहा है कि चेन इंक्रीज करने की कोई भी नीड नहीं है, अभी वर्क थोड़ा सा ढीला या टाइट हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीन चेन का स्पेस लिया है, इसके नेक्स्ट राउंड में मैं फोर चेन का स्पेस लूंगी, उसके बाद फिर फाइव चेन, फिर सिक्स चेन। तो जितने चेन राउंड आप इसमें बनाना चाहते हैं उतने राउंड पहले इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस इसमें स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन इतनी बनके रेडी है। मैंने इसमें टोटल 12 राउंड बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 12 राउंड बने हैं इसमें। 4 राउंड के बाद मैंने इसमें कलर को चेंज कर लिया है, आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो करें, अदरवाइज सेम कलर से ही बनाएं। और इसके ऊपर अब हमें एक हल्की सी झालर बनानी है, पर उससे पहले मैं इसमें ये बता दूं कि मैंने इसमें कितनी कितनी चेन्स ली हैं आगे ऊपर की तरफ। तो पहले जैसे हमने स्टार्ट किया था 1, 2 और फिर 3 चेन से, इसमें भी मैंने 4th राउंड में भी 3 चेन ली है, फिर उसके बाद के दो राउंड में मैंने 4 चेन्स ली हैं, उसके बाद के दो राउंड में 5 चेन्स हैं, 3 राउंड में ऊपर के 6 चेन ली हैं, और फिर ये वाला जो लास्ट राउंड है इसमें मैंने 7 चेन करके इसे रेडी किया है। तो इस तरह से अगर आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, अगर आपको हर राउंड में चेंज करने की जरूरत हो कि ऐसा लग रहा हो टाइट हो तो हर राउंड में चेंज करें, अदरवाइज 1 और 2 राउंड में सेम चेन ही रहने दें, उसके बाद फिर चेन को बढ़ा लें और 2 राउंड में फिर सेम रहने दें, फिर चेन को बढ़ा के 2 या 3 राउंड वैसे बना लें। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है इसको चेन्स बढ़ाने की, क्योंकि नीचे ज्यादा जरूरत पड़ती है शुरुआत में, ऊपर हल्का सा ही हमें बढ़ाना पड़ता है, तो इस वजह से 2-2 राउंड इसको बना ले। अब इसमें आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए पहले हम इस जगह पे धागे को ऐड कर लेंगे। यहां मैंने व्हाइट पे खत्म किया है, तो यहाँ पे अब मैं ये पिंक कलर का धागा ऐड करूंगी, तो इसको ऐड कर लेते हैं पहले। तो इस जगह पे वर्क को ऐड करने के बाद पहले हम इसमें 12 चैन बनाएंगे, बना के इस स्पेस पे यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट वाला ये डबल क्रोशिया का स्पेस है उसमें ऐड कर देना है इसे, अगेन 12 चैन बनाएंगे। इस तरह से 12 चैन बनाते हुए
हर दूसरे पॉइंट पे इसे ऐड करते चलेंगे। बारह चेन बना के अब इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए इस पूरे राउंड को ओवर कर लेंगे। बारह बारह चेन बना के हर नेक्स्ट वाले पॉइंट पे इसे ऐड कर लेना है हमें। ये इस तरह से ऐड करके इसे पूरे राउंड को इसी तरह से ओवर कर लें। इस तरह से ऐड करना है हमें, सिंगल क्रोशिया से ऐड करना है। 12 12 चैन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देना है। और अब यहाँ देखिएगा, 12 12 चैन बनाने के बाद वर्क लास्ट में है अब हम, और इस जगह पे हमें इस पॉइंट पे अपने 12 चैन को ऐड कर देना है। सेम उसी पॉइंट पे ऐड करेंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर से हमें यहाँ बीच पे आना है और उसी तरह चैन बनानी है। तो उसके लिए पहले हम सिंगल क्रोशिया बना के बीच में आएंगे। इस तरह से यहाँ पे अब हम बीच में आने के बाद फिर से वैसे ही हमें 12 चैन बना के नेक्स्ट वाले में ऐड कर देनी है। बारह चैन बनाई और इस वाले पे इसके सेंटर पॉइंट पे वैसे ही सिंगल क्रोशिया से हमें इसे ऐड कर देना है। इस तरह से करते हुए बारह बारह चैन बनाते हुए अपने इस पूरे राउंड को भी ओवर करना है। इस तरह से देखिएगा, ऐसे ही एक और राउंड भी बना लेंगे। ये वाला राउंड तैयार हो गया हमारा, ये भी बारह बारह चैन के से यहाँ पे ऐड करते हुए इस राउंड को भी ओवर कर लेंगे। और अब अगेन वर्क के एंड में इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से इसे अगेन ऐड कर लेंगे। और फिर से अब हमें इसमें छह चैन बनानी है, तो उसके लिए पहले हम इस वाले पॉइंट पे बीच में आ जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बीच वाले पॉइंट पे आएंगे। पांच, इस तरह से अब देखिएगा हम बीच में आ गए हैं। यहां से अब हम छह चैन बनाएंगे। चार पांच छह, छह चैन ये बना ली। एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे इस चैन में। एक्स्ट्रा जो हमने एक चैन बनाई है इसी में डिजाइन बनानी है, तो उसके लिए पहले हम दो चैन बनाएंगे। और ये जो हमने सेवन नंबर यानी जो एक एक्स्ट्रा चैन बनाई थी इसी से ऊपर से दो चैन को स्किप करते हुए जो इधर से तीसरी नंबर की चैन है इससे में हम क्रोशिया को डालेंगे। और यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बना लेनी है। वन, सेम उसी चैन से फिर से डालेंगे, उसी स्पेस से हमें फिर से डालना है। ये देखिएगा जहां से हमने डाला था उसी स्पेस से अगेन डालते हुए एक और डबल क्रोशिया इसमें हम बना लेंगे। फिर से दो चैन बनाएंगे और इसी स्पेस पे इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। अगेन दो चैन बनाएंगे और इसी स्पेस से दो और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तीन डबल क्रोशिया टोटल होंगी। दो चैन हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई और फिर हमने दो डबल क्रोशिया और बनाई। फिर से दो चैन बनाएंगे और अगेन इसी वाली चैन पे ये जिससे हम डिजाइन बना रहे हैं इसी पे हमें फिर से ऐड कर देना है। स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर दिया। अगेन दो चैन बना के एक बार और सेम यही डिजाइन बनाएंगे, सेम इसी पॉइंट से, इसी चैन से बनानी है हमें। एक और दो, दो डबल क्रोशिया बना ली, दो चैन बना के इसे यहीं पे ऐड कर देंगे। इस तरह से देखिएगा ये इस तरह से बनके रेडी होगा। अब अगेन इसमें हम छह चैन बना के दूसरे वाले बारह चैन में से ऐड कर देंगे। इस तरह से छह चैन बना ली। अब
अब ये वाली जो हमारी 12 चैन है इसमें इसे बीचों बीच ऐड कर देंगे और अगेन 6 चैन बना के फिर से यही सेम डिजाइन बनाएंगे। ये हमने ऐड कर दिया, फिर से 6 चैन बनाई, 3 4 5 6, 6 चैन, एक चैन एक्स्ट्रा और उसके बाद 2 चैन हमें डिजाइन के लिए चाहिए होगी जो हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया पहली डबल क्रोशिया की तरह हम लेंगे। उसके बाद जो ऊपर से थर्ड नंबर की चैन है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया इसमें हम बना लेंगे। एक उसी सेम चैन से डालना है, 3 टाइम्स हम ऐसा करेंगे और तीनों बार एक ही जगह से हमें बनानी है। ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली, फिर से 2 चैन बना के इसी सेम चेन पॉइंट पे इसे हम ऐड कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे, फिर से 2 ही चैन बनानी है और 2 चैन बना के अगेन सेम डिजाइन स्टार्ट करनी है। दो चैन बना ली, अगेन सेम पॉइंट से जहां से हमने ये पहली डिजाइन बनाई है उसी चैन से हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। दो चैन बना के फिर से यहीं पे इसे ऐड भी कर देना है और अगेन फिर से 2 चैन बनाएंगे और सेम पॉइंट से ही सेम चेन से फिर से 2 डबल क्रोशिया बना के इसे वहीं पे ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से इसे भी हमें कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करके इस पूरे राउंड को हमें इसी तरह से ओवर करना है। अगेन 6 चैन बनाएंगे, इस तरह इस राउंड में हमारे पास टोटल 13 चेन्स होंगी। 6 चैन के बाद 7वीं चैन पे हमें डिजाइन बनानी है और उसके बाद फिर से 6 चैन बना के इसे दूसरे 12 नंबर चैन पे जो 12 चैन हमने बनाई है उसमें इसे ऐड कर देना है। तो ये जो हमारा लास्ट बॉर्डर रेडी होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। पूरा बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगती है ये झालर। तो इस तरह से करते हुए हमें अपने इस पूरे राउंड को भी ओवर करना है और साथ ही अपने डिजाइन को भी ओवर करना है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से डिजाइन बन के रेडी है। ये पूरी झालर मैंने बना ली है, ये बन के इस तरह से लुक आता है, इसमें बहुत खूबसूरत सी झालर लगती है। ये किसी भी आप पैटर्न में इसको डाल सकते हैं, किसी भी थालपोश में झालर को बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देती है ये झालर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिजाइन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलूंगी कुछ नए आइडियाज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।